अपनी अकड़ को कृपया अपनी जेब में रखें। पर भाई साहब जेब तो फट रही है, कहीं गिर गई रास्ता में फिर। अगर आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानती तो इतना ध्यान से मत सुनो, किसी की पत्नी नहीं मानती, इसका कोई इलाज नहीं। भाई आजकल ये इतनी गर्मी क्यों हो रही है? हर कोई चांद से मोहब्बत करेगा तो सूरज तो जलेगा ही ना। दुनिया का सबसे मुश्किल काम भाड़ में जाना, ना वहाँ के लिए कोई ट्रेन है और ना ही कोई परमानेंट एड्रेस है। भाड़ में कहाँ? भाड़ में। दोस्ती अच्छी होनी चाहिए क्योंकि गंदी तो इसकी शक्ल भी है। जानी इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है लेकिन वो दो बार ही बंद होता है, एक तो एग्जाम के समय और दूसरा बीबी पसंद करते समय। भाइयों किसी ने यहाँ दीवार पर लिख दिया कि पत्नी को काबू में करने का ताबीज मिलता है और आगे आप हालात देख लीजिए क्या हो रखे हैं। कौन है? तेरा फूफा। भाई विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क है पता है? क्या फर्क है? जो आपको दारू देगा वो आपको नमकीन देगा, ये एक विश्वास है, लेकिन जो आपको नमकीन देगा वो आपको दारू भी देगा, ये अंधविश्वास। भाइयो यदि आपका टाइम पास ना हो रहा हो तो टाइम पास करने के लिए खुद पर बनी मूवी देख सकते हैं, आपका विवाह सच्ची घटना पर आधारित। दोस्तों एक अध्यापक ने बच्चों से पूछा गजल और भाषण में क्या अंतर है, एक बच्चे ने जवाब दिया पराय स्त्री का हर शब्द गजल है और अपनी बीवी का हर शब्द भाषण है। भाइयों एक बार मैंने भी रोड शो किया था अपनी शादी में और तब से आजीवन कारावास की सजा पा रहा हूँ। हर बीवी ये चाहती है कि उसका शोहर उस पे मरे, लेकिन जब उसका शोहर उस पे मरता है तो बीवी ये कहती है कि परा जाके मर, और जब वो परा जाके मरता है तो बीवी कहती है हाय मैं मर गई। ये सब क्या है, क्या है यार? आज ना मैं सब्जी बना रही थी तो ना घर में नमक खत्म हो गया तो मैंने ना उसमें अपना एक आंसू मिला दिया। और अगर हल्दी खत्म हो जाती तो?